हाँ जी, आज का ये प्रोग्राम मनाने का क्या एक उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि सर, हमारे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर हमारे रैगर समाज को मान्यता नहीं दी हुई है जी। उसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात,
और यूपी में जो रैगर समाज को आरक्षण नहीं मिला है उसके लिए थोड़ा सा वो है। और 31 साल हो गए हैं हमारा ये सम्मेलन हुए। इससे पहले हमारे धर्मदास शास्त्री जी ने सम्मेलन किया था जिसमें ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति जी थे, वे वहाँ पर मुख्य अतिथि थे, और स्वर्गीय इंदिरा गांधी राजस्थान में मुख्य अतिथि के रूप में आई थी। तो 31 साल हो गए और 31 साल बाद आज रैगर समाज एक बार फिर जागरूक हुआ है। वो एक नई ऊर्जा के साथ आज हम ये सम्मेलन कर रहे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर है। सभी स्टेट से, सभी राज्यों से हमारे प्रतिनिधि, हमारे रैगर समाज के लोग आए हैं। वो आप देख रहे हैं, ये उत्साह जो आप देख रहे हैं, ये उत्साह वाक्य में एक सभी के अंदर एक जुनून लेकर आया है। यही हमारा सबसे बड़ा सर, देश को आज़ादी हुए 70 साल के लगभग हो गए, आज भी राजस्थान के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर कहें कि दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है, सम्मान जनक उसकी बारात में ही चढ़ने दी जाती है। ये देखिए सर, ये हमारे रैगर समाज में ऐसा नहीं है, ये दूसरे समाज में है। इसकी तुलना आप रैगर समाज से मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि ये रैगर समाज में ऐसा नहीं हुआ है। कि रैगर और आता तो अनुसूचित जाति में, जैसे आपने बताया कि हमें आरक्षण से वंचित किया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वो रैगर अनुसूचित जाति में भी नहीं है। वो लोग वो अनुसूचित जाति से नीचे हैं जो तबके के लोग कर रहे हैं। और आप आहिस्ता आहिस्ता देखिए, प्रयास हो रहा है, अनुसूचित जाति आगे बढ़ रही है और इसमें भी सुधार होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें सुधार लाएंगे।